पास से देख सकते हो कि शाहरुख खान का घर कैसा दिखता है। बर्थडे के दिन अपने यहाँ से ही निकलते हैं। ये देखो जो दिख रहा है ना, और यहाँ देख सो लिखा हुआ है लैंड्स इंड, और उधर वाला बोर्ड गायब हो गया है भाई। यहाँ पर एक बार क्राउड चेक कर लो, कितने ज्यादा लोग हैं। मशीन देख सकते हो, इसी मशीन से यहाँ पर टिकट निकलता है। तो ये देख सकते हो मेरी टिकट निकल चुकी है, मैं निकाल लिया होपफुली। तो ये देख सकते हो शाहरुख खान सर के घर के सामने का, ये जो ऊपर तक देख सकते हो वहाँ भाई बैठने उठने का सीटिंग चेयर्स वगैरह है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भाई तुम्हारा भाई जा रहा है, कहाँ जा रहा है गेस करो। मन्नत, टाइटल देख के तो समझ ही गए कहाँ जा रहा हूँ। तो एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का है। तो शाहरुख खान जी का घर देखने जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। अप्रॉक्स मुझे यहाँ पर 10 दिन हो ही गए हैं, 1.5 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे जाते तक। तो चलते हैं और आपको भी आगे का सीन दिखाता हूँ कैसा है। मेरे फ्लैट से नीचे ही से डायरेक्ट यहाँ से बस मिल जाएगी मेरे को अंधेरी के लिए। अंधेरी से फिर मुझे लोकल पकड़ना पड़ेगा, फिर लोकल से फिर एक बस चेंज करनी पड़ेगी बैंड्रा जाने के लिए। तो देखते रहो कैसे कैसे चेंज करता हूँ मैं, आगे आगे अपडेट देते रहता हूँ कि कैसा है। तो शाहरुख खान जी का घर तो बैंड्रा में है, तो भी फिलहाल मैं यहाँ पर लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। तो साथ ही ये लिफ्ट तो चलते हैं। एक्चुअली बैंड्रा यहाँ से 10 किलोमीटर बता रहा है गूगल पे। तो यहाँ से 10 किलोमीटर मतलब अगर ट्रैफिक है तो भाई 1 घंटे, सोच रहे हो 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे लगते हैं यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से। और हमारे टाउन में तो भाई 10 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, 10-15 मिनट में आराम से कवर कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल में यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, बस बता रही है कि 5 मिनट में आ जाएगी। तो 5 मिनट यहाँ पर खड़े रहते हैं, उसके बाद निकलते हैं मन्नत देख रहे हैं। यहाँ पर लैंड्स इन हियर लिखा है भाई। मैं सोच रहा था कि एंटीलिया भी चलने का, तो एंटीलिया इसी दिन जाऊँ या अगले दिन, तो देखते हैं। पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ मन्नत, एंटीलिया जाने का मन करेगा तो फिर चले जाएंगे वहाँ से एंटीलिया भी। तो आप लोग एंटीलिया भी देख लेना, मुकेश अम्बानी जी का घर। तो अभी चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12:20 हो चुका है। देखें अभी देख सकते हो यहाँ पर बस स्टॉप पर आके खड़ा हो चुका हूँ। अभी बस मेरी 2 मिनट में आने वाली है, लेकिन धूप बहुत तेज हो गया है। और ये देख सकते हो मेरे सामने LIC अंधेरी। तो अभी देख सकते हो मैं अंधेरी लोकल रेलवे स्टेशन पास आ चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अभी लोकल ट्रेन पकड़ने, जो कि अंधेरी से ही पकड़ना है बैंड्रा के लिए। और कुछ ऐसा ये ब्रिज होता है यहाँ देख सकते हो। और ये देख सकते हो अंधेरी का सीन, ये देखो इतनी सारी गाड़ी आती रहती है। अब वहाँ से मुझे जाना है लोकल रेलवे स्टेशन, अभी चलते हैं। फिलहाल मैं अभी टिकट कटवाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ट्रेन में जाऊँगा। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी छोटे छोटे दुकान है, यहाँ मोमबत्ती बिक रही है। यहाँ पर एक बार क्राउड चेक कर लो, कितने ज़्यादा लोग हैं। ये पूरा बिजी रेलवे स्टेशन है। मशीन देख सकते हो, इसी मशीन से यहाँ पर टिकट निकलता है। तो ये देख सकते हो मेरी टिकट निकल चुकी है, मैं निकाल लिया होपफुली। और यहाँ पे लोग जिनको नहीं पता है वो लोग लाइन में लग के यहाँ से टिकट निकलवा रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता अभी मुझे। देख सकते हो यहाँ पे फास्ट फूड मिल रही है। अब यहाँ से निकलते हैं मन्नत के लिए। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ट्रेन का। तो भी देख सकते हो यहाँ पे बैंड्रा रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। और यहाँ से जाना है बस स्टैंड, फिर वहाँ से बस पकड़ना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मन्नत पास पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे बैंड्रा का बस स्टेशन है, और यहाँ सामने मेरी बस है, तो मैं बस इसमें जा रहा हूँ तुरंत। यहाँ शाहरुख खान सर के घर के पास आ चुका हूँ, तो भी मैं दिखाता हूँ उनका घर। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा इलाका है यहाँ पे। तो भी देखते हैं कि इधर इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है। फाइनली आ चुका हूँ मैं, दिखाऊँ किधर है, दिखाऊँ। अरे भाई देखने के लिए बेताब हो क्या। तो वो देख सकते हो वो है वहाँ पर, जहाँ पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ पर शाहरुख खान सर का घर है, वहाँ पर लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। देख सकते हो वहाँ पर ही सर निकलते हैं। तो अभी चलता हूँ पास में और दिखाता हूँ मैं। ये सामने देख सकते हो यहाँ पे समुद्र है भाई, ये देखो। तभी नीचे भी चलेंगे मज़े लेने। यहाँ पर लोग देख सकते हो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं उनके घर के सामने। ये पास से देख सकते हो कि शाहरुख खान का घर कैसा दिखता है, ये देखो भाई। ये ऊपर तक देख सकते हो, वहाँ भाई बैठने उठने का सीटिंग चेयर्स वगैरह है। बर्थडे के दिन अपने यहाँ से ही निकलते हैं। ये देखो जो दिख रहा है ना, सामने से आप देखोगे ना तो इतना छोटा लग रहा है भाई, सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा भी नहीं लग रहा है इतना। और यहाँ देख सो लिखा हुआ है लैंड्स इंड, और उधर वाला बोर्ड गायब हो गया है भाई, देख रहे हो उधर का बोर्ड गायब हो चुका है। और लोग मस्त फोटो खिंचवा रहे हैं, और यहाँ से ऑटो जाते रहता है, आते रहता है। और बगल में वहाँ देख सकते हो बस स्टॉप भी है, वो देखो। देख सकते हो कुछ इतने लोग आए हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने। तो भी वहाँ भी चलेंगे पास में, वहाँ भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इधर साइड से भी मैं दिखा देता हूँ कि उनका घर कैसा दिखता है। तो साइड से कुछ ऐसा दिखता है शाहरुख खान सर का घर। वहाँ देखो, और याद है वहाँ पर ही पुलिस वाले आए थे और वहाँ पर उनका गार्ड रोक दिया था, वो देख रहे हो वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ वर्कमैन खड़ा है। ये देखो इनका साइड से घर है, और ये देखो कुछ व्यू है यहाँ से। चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से समुद्र देखने, वहाँ पर सामने ही जस्ट।
और ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो ये देख सकते हो शाहरुख खान सर के घर के सामने का ये देख सकते हो यहाँ का सीन। यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग हैं, देख रहे हो फोटो खिंचवा रहे हैं जा के। भाई इतना धूप है भाई, बहुत ज्यादा ही तेज है धूप। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टोर्स भी हैं ये देख सकते हो यहाँ और वहाँ। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको और पास चल के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है भाई पास से। और यहाँ कबूतर उड़ रहा है भाई ये देख सकते हो। और कुछ ऐसा रास्ता जाता है नीचे जाने के लिए, ये देख रहे हो पत्थर देख रहे हो कितना काला है भाई। यहाँ तक पानी आ जाती होगी मेरे ख्याल से रात में। अभी देख सकते हो कितना तेज लहर है। ओ भाई यहाँ पे ये है कि बस हवा थोड़ा ठंडा बह रहा है, शाम को आके बैठने वाला सही है सीन यहाँ पे। मस्त यहाँ पे बैठ के आराम से चिल करते रहो, स्नैक्स खाते रहो। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो अभी यहाँ से निकलता हूँ। देख लीजिए आप लोगों ने ये देख लो मेरे पीछे, आप आराम से यहाँ पे 10 सेकंड लहर देख लो बह जाएगा भाई, तो कोई पता भी नहीं चलेगा, कोई बचाने वाला भी नहीं है यहाँ पे। और वहाँ सामने देख सकते हो एक भाई मछली मार रहा है, वो देखो। कुछ ऐसा दिखता है शाहरुख खान सर का घर यहाँ से, देख सकते हो यहाँ पास से मैं जूम इन टू 10 कर दे रहा हूँ उनके घर तक का, ये देख रहे हो वहाँ पे। आई होप तो आप लोग को ब्लॉग यहाँ का अच्छा लगा हो, मन्नत भी काफ़ी अच्छा लगा हो देखने में। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर, और मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाऊँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो धूप बहुत तेज़ है। तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों को, दिखाओ भाई शाहरुख खान जी का घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नई जगह एक्सप्लोर करते हुए। टाटा बाय बाय।